जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से, तो इसमें देखेंगे न्यू नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ हुआ है 3 अगस्त को, और इसकी जो लास्ट डेट आपकी रहने वाली है वो रहेगी 23 तारीख इसकी लास्ट डेट होगी, और जो आपकी करेक्शन डेट रहेगी वो रहेगी 24 से 26 के बीच में। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या कैटेगरी है। तो इसमें BPM की है और ABPM डाक सेवक की है। तो जो जिसमें BPM है उसमें जो आपका रहेगा 12,000 से 29,380 के बीच में रहने वाला है, और डाक सेवक के लिए 10,000 से लेकर 24,470 के बीच में रहने वाला है। तो BPM की जॉब प्रोफाइल के बारे में देखिए, तो इसमें क्या है आपका जो रहेगा वो क्या है आपकी मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट, इन सब से रिलेटेड आपका इसमें जॉब रहने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं ABPM में क्या होगा। तो इसमें आपका मार्केटिंग, प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट, और फिर पोस्ट वगैरह के बारे में रहेगा, सेल्स वगैरह के बारे में आपका इसमें रहने वाला है जॉब प्रोफाइल। अब देखते हैं इसमें आपकी एज लिमिट वगैरह क्या मांगी गई है। तो इसमें क्या है, मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 40 साल, यानी कि 18 से 40 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा जस्ट लाइक SSC ST वालों के लिए 5 ईयर्स का, OBC वालों के लिए 3 ईयर्स का, UR कैंडिडेट्स के लिए 0, और फिर बात करें PWD कैंडिडेट्स के लिए तो उनके लिए 10 ईयर्स का रहने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे, ये तो जिसने यहाँ पे दिखाई दिया है बता ही दिया। फिर इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, तो अगर आप इसमें 12th पास हैं और 10th पास हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास वाले भी कर सकते हैं, वरना 10th पास वाले तो कर ही सकते हैं, बस आपके पास मैथमेटिक्स और इंग्लिश होनी चाहिए। नेम मतलब क्या है, और आपको यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वहाँ के बारे में पता होना चाहिए। अदर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, साथ के साथ एडवोकेट मीन्स ऑफ लाइवहुड, और फिर आपको साइकिलिंग वगैरह आनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करेंगे। तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का नाम है https://indianpost.gds.online.government.in की ऑफिशियल वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, तो ज़्यादा परसेंटेज के बेस पे डिपेंड करता है। एप्लीकेशन हैविंग बोथ मार्क्स एंड ग्रेड्स इन द मार्कशीट हैव टू अप्लाई विथ मार्क्स ओनली, मार्क्स के बेसिस पे आपका जो है अप्लाई करेंगे। इसमें क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन। तो आपसे वो लोग कैसे बताएंगे कि आपका सिलेक्शन हो गया। द लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन शॉर्ट लिस्ट फॉर एंगेजमेंट विल बी रिलीज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल वेबसाइट GGS ऑनलाइन पोर्टल, यानी कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आपको पता लग जाएगा जैसे इसकी शॉर्ट लिस्ट आ जाएगी। फिर सिलेक्शन की बात करें तो इसमें सिलेक्शन क्या रहेगा आपका, तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई वगैरह होंगे जिसमें आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे जाते हैं। मैं एक वीडियो लेके आऊँगी जिस पर मैं बताऊँगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं, जो मैक्सिमम जितनी भी पोस्ट होती हैं जैसे लाइक SSC, डाक पोस्ट, कोयल इंडिया, और फिर UPSC, मतलब जितना भी है ना मैं बताऊँगी आपको डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं, वो उनके लिए मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगी। फिर नो फर्दर लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स विल बी इश्यूड आफ्टर, ये तो पहले की बात है। फिर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, तो इसमें कुछ ऐसे, द कैंडिडेट्स आर देयर फॉर एडवाइस टू कंटिन्यू द विजिट द ऑनलाइन एंगेजमेंट पोर्टल रेगुलरली फॉर लेटेस्ट अपडेट। वहाँ पे मतलब आप डेली जाया करें एक बार, ताकि आपको इनकी जो है नोटिफिकेशन के बारे में पता लगता रहे कब कौन सी नोटिफिकेशन रिलीज हो रही है। आफ्टर क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 3 डेज विंडो हैज़ बीन कैप्ड फॉर मॉडिफिकेशन एडिटिंग द सेम, हाँ वो करेक्शन के लिए वो मैंने आपको बता दिया है। तो और यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट दिख नहीं रहा जो मैं आपको बताऊँ, तो इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना, साथ के साथ लोगों के साथ शेयर भी कर देना अगर आपको लगे कि औरों को पता लगना चाहिए। ऐसे गवर्नमेंट जॉब है तो ग्रुप सबको ही पता होना चाहिए। थैंक यू।